सुवासरा विधानसभा 226 में निर्दलीय फार्म भरकर सरदार की मृदंग बजा दी। इस इलाके में ओम सिंह भाटी की अच्छी पकड़ है, जहां देखा गया है शिक्षा कर्मी, सचिव व अन्य लोगों ने भी उनका साथ दिया है। 20,000 शिक्षा कर्मी इनके सानिध्य में अपना पेट पाल रहे हैं। यहां देखा गया है कि मछली पालन करने वाले लोग भी इनका सहयोग करेंगे। सुवासरा 226 विधानसभा क्षेत्र को लेकर सूत्रों से मिली जानकारी, ओम सिंह भाटी 40 वर्षों से क्षेत्र में कांग्रेस के तंबू में रहे थे, लेकिन आज बगावत के देखने के लिए सुवासरा विधानसभा क्षेत्र 2026 से चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन सुवासरा विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में हरदीप सिंह ढंकव, भाजपा प्रत्याशी राधेश्याम पाटीदार स्पोक्स से सुनील शर्मा व निर्दलीय रूप ओम सिंह भाटी हल्दुनी रामगोपाल काला सुवासरा गोपाल सिंह पवार शामगढ़ ने अपने जन सेवा मित्र मंडल के पदाधिकारियों व समर्थनों के साथ नामांकन पत्र प्रस्तुत किया। राधेश्याम पाटीदार के साथ किराए के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी, नगर के पूर्व अध्यक्ष किशोर बापू सुराना सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कई योजनाएं, कामगढ़ सुवासरा सूक्ष्म सिंचाई योजना पूरी हो, कयामपुर सूक्ष्म सिंचाई योजना जल्दी से जल्दी हम पूर्ण कर सकें, चाहे व्यापारी हो, चाहे हमारे विद्यार्थी हो, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे मजदूर बंधु हो, सबका सर्वांगीण विकास एक क्षेत्र में और तेज गति से बढ़े, इस संकल्प को लेकर आज नामांकन पत्र मैंने दाखिल किया है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्साह से लगता है कि भारी बहुमत से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। वर्तमान में प्रचार भी आपका चालू हो गया है, किन वादों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने विगत सालों में जो मुझे प्यार देकर विधानसभा में जाने का जो मौका दिया था, उस पर पूरी उनके विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करके जो सफलताएँ इस क्षेत्र में मिली हैं, जो काम करना, इस क्षेत्र में जो विकास के काम हुए वो जनता के सामने है। जो कार्य करने की शैली थी उसको जनता ने कहीं ना कहीं समर्थन करा है, और उसी के कारण आज जो ताकत, जो उत्साह, जो प्यार उनका मिल रहा है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो 28 नवंबर को जो चुनाव होने वाला है उसमें भी जनता जो आशीर्वाद देने को तैयार है, मैं उनकी भावनाओं को खरा उतरते हुए जो वंचित काम है, जैसे सिंचाई योजना सुवासरा और शामगढ़ स्वीकृत हो चुकी है और आज इसके DPR बन के तैयार है सीतामोर क्यामपुर के, पहला कार्य वही होगा कि यहाँ पर सीतामोर क्यामपुर को सिंचाई का चंबल का पानी यहाँ पर पहुँचे, और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सिंचाई के क्षेत्र में और भी जो अच्छी बेहतरीन सड़कों की और व्यवस्थाएँ हो सके। बिल्कुल तय हो चुका था कि भाई इस बार आप हरदीप को चांस दे दें, अगली बार आपको टिकट भी दिलाएंगे और साथ में रहकर जिताएंगे। ये बात मीनाक्षी नटराजन ने और उम्मीदवार हरदीप सिंह डंग दोनों ने मिलकर कही थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के भी फोन आए थे, सभी ने यही कहा था कि भाई कांग्रेस को मजबूत करना है, वन बाय वन सबका नंबर आएगा, इस बार आप इनको चांस दे दें, अगली बार आपको चांस। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जाएंगे, किन मुद्दों को लेकर आप वोट मांगेंगे? मेरा तो इस क्षेत्र के किसानों का ही मुद्दा है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी की समस्या है, कहीं बिजली की समस्या है, कहीं स्कूल की शिक्षा की समस्या है, कहीं रोजगार की समस्या है, कहीं आवास की समस्या है, कई प्रकार की इस क्षेत्र में समस्याएं हैं। और मैं ये मानता हूं कि इस क्षेत्र को हमेशा उपेक्षित रखा है, आज़ादी के बाद अभी तक इस क्षेत्र का एक बार MLA बना था भारत सिंह जी दीपाखड़ा, उसके बाद में कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र से विधायक नहीं बना, इस वजह से इस क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा होती आई है। और क्षेत्र की जनता चाहती है इस बार इस स्थानीय सीतामो क्षेत्र का व्यक्ति कोई हो। सीतामो विधानसभा का नाम भी विलोपित किया गया, इसकी वजह से भी काफ़ी लोगों में नाराजगी है। लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप इसके लिए संघर्ष करें, मैंने कहा कि अगर आप मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं सीतामो क्षेत्र का पूरा सम्मान रखने का प्रयास करूंगा और सीतामो क्षेत्र के विकास के लिए, मजदूरों के लिए, हर वर्ग। अगर पार्टी आपके ऊपर दबाव बनाती है और अगर आप फार्म उठा लेते हैं तो इसके बाद हजारों समर्थक आपके साथ में आए हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी उसके बाद आपके ऊपर प्रति देखी जाएगी? देखिए, मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता था, पर वर्तमान में मैं दोनों पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ जनता से मेरा वास्ता है, क्योंकि जनता ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, जनता के कहने से मैं चुनाव मैदान में उतरा हूँ। वो ये निर्णय भी वही लेंगे, मैंने उनसे पूछा है कि जो भी निर्णय लूंगा मैं आप लोगों से पूछ के करूँगा।